अज तुहानू एक इहो जी साखी सुनाउण जा रहे हां जिस नूं सुनण तों बाद तैया ताप उतर जांदा। हुण तैया ताप की हुंदा है इस दे बारे तुहाडे नाल जानकारी सांझी करते, जिहड़ा कि ताप वार वार व्यक्ति नूं चढ़दा होवे उस नूं तैया ताप आख्या जांदा। अते इह कोई एवें दी गल नहीं, एक इतिहास है। इस दे पिछे की साखी है, की कहानी है, उस नाल तुहानू जाणू कराउंदे आ। अते कई लोग ही इस साखी सुनण तों बाद ठीक भी होए ने, तां हुण तुहानू दसदे आ। गुरु अमरदास जी गोइंदवाल विखे अपने रंग विच बैठे सन। किसी दी रोण दी आवाज़ सुन के गुरु जी ने एक सिख नूं कहा, कैसा शोर है पता करो। सिख गया तां देखिया एक औरत रो रही सी। सिख ने कोल खड़े लोगों तो पुछया, तो उन्हें दसिया कि इसका लड़का तैया ताप कर शांत हो गया, भाव कि मर गया। सिख ने आके गुरु जी ने सारी गल दसी। गुरु जी ने दया विच आके वचन किया कि जिन्ना समा असी इत्थे हाँ उन्ना समा माँ बाप दे रहिंदिआं किसी बच्चे की भी पहला मौत नहीं होगी। गुरु जी ने तैया ताप नूं पालक रूप बना के हत्थां विच हथकड़ियां, पैरां विच बेड़ियां लवा दित्तियां। एक दिन गुरु दा सिख भाई लालो डल्ले तो गुरु जी दे दर्शनां लई आया। गुरु जी नूं मत्था टेक के देखिया कि एक बालक पिंजरे दे विच कैद भुखा अते त्रेह नाल तड़प रहा है। भाई जी ने गुरु जी नूं कहा, आप कृपालू दयालू निम्रता दे खजाने हो, फिर इस बालक नाल ऐसा व्यवहार क्यों। गुरु जी ने कहा, इस नूं बालक ना जानी, ए बला है। भाई जी ने कहा, आप दा हुकम होवे बालक नूं थोड़ा जा प्रसाद देइए। गुरु जी ने कहा, इस दा प्रसाद इत्थे नहीं है। कुछ दिन गुरु जी पास रहन मगरों भाई जी अपने पिंड नूं जान लगे। गुरु जी नूं बेनती कीती कि इस बालक नूं आज़ाद कर देवे। गुरु जी ने कहा, इस नूं बालक ना जानी, ए तैया ताप है। पर सिख दी बेनती ते गुरु जी ने तैया ताप नूं छड़ दिता। भाई जी बालक नूं नाल लैके पिंड वल तुर पे। रस्ते च एक पिंड कोल तालाब ते धोबी कपड़े धो रहा सी। तैये ने उस नूं वेख के भाई लालो नूं कहा कि मैनू बहुत भुख लगी है, मेरे कोल तुरिया नहीं जांदा। भाई जी ने कहा, पिंड पहुँच के तैनू खंड घ्यो खीर दा भोजन करावांगे। तैया कहिंदा, मेरा भोजन इत्थे ही है, तुसीं बैठो मैं भोजन खा के आवां। भाई जी संत सुभा दे व्यक्ति सन, वह उत्थे ही बैठ के तैया धोबी नूं जा चढ़िया अते दो तीन घड़िया मगरों उतर गया। तैये ने खून का भरिया खप्पर भाई लालो नूं विखा के पीता। भाई साहब वेख के डर के आख्या, तू तो बला है, असी तैनू कानू लियाउणा सी, चल तैनू गुरु जी पास छड के आव। यह सुन के तैये ने भाई लालो जी दे तरले किते। पहला धोबी नूं ठीक किया, भाई जी नूं वचन दिता कि जे किसी नूं मैं चढ़िया होवांगा तां तुहाडे नाम नाल इस साखी सुनन वाले व्यक्ति नूं छड दवांगा। अभी गल दसो, मैं अंदर देखिया भी जदों जाने तैया ताप बारे असीं बहुत कुछ सुनिया, तो अंदर एक स्पैशली जिहड़ा देख सकते हो भी एक जगह बनाई हुई है। असल दे विच कई वारी व्यक्ति नूं ऐ नहीं पता होंदा भई तैया ताप असल च किहड़ी बीमारी है, क्योंकि मॉडर्न साइंस आ गई, बीमारियां दे नां चेंज हो गए, तो की इह वी गल कही जांदी है भी कथा सुना दो, कईआं दी तैया ताप जिहड़ी है ठीक हुई है। साध संगत जी, इस पावन पवित्र स्थान नगर गोइंदवाल साहब नूं धन श्री गुरु अमरदास साहब महाराज ने 1552 ईस्वी च वसाया, और 22.5 साल का समा गुरु अमरदास पातशाह महाराज जिथे गुरता गद्दी दे उपर सुभायमान गुरद्वारा चबारा साहब जी विखे सतगुरु गोइंदवाल साहब की पावन धरती ते रहे गुरसिखी का प्रचार ते प्रसार किया। सतगुरां ने सिखी का पहला तीर्थ जो कि बौली साहब की रचना 1553 प्रारंभ करके 6 साल का समा लगा, और 1569 ईस्वी सिखी का पहला तीर्थ तैयार होया, तो विसाखी का पुरब सतगुरां ने इत्थे मनाउणा कीता है। जो तैये ताप का इतिहास है साध संगत जी, सतगुरां दे पास एक वैद जो सतगुरां ने रख्या होया सी तैये तों, भाव के वारी दे नाल जो ताप चढ़ना बुखार चढ़ना जिसनों आपां अजकल दे समय च मलेरिया जां टाइफाइड कह दिंदे आ, साध संगत जी तैया ताप वारी दे नाल एक दिन छड के जो ताप चढ़ना, एक
दिन अमृत वेले सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह महाराज निज रूप च भगती दे अंदर लीन सन तो नगर के किसी माता की रोण की आवाज़ आई तो सतगुरां ने अपने भाई सेवक भाई बल्लू नूं पुछना किया कि किस तरीके की आवाज़ ठीक झाड़ा पै रहा तो उन्होंने दस्या कि सतगुरु जी किसी माई का पुत्र जो बीमार होने दे नाल काल चलाना कर गया सतगुरां ने उस नूं अपने कोल मंगवाउणा कीता और जिते उस नूं जिंदा भी किया तो नाल ही सतगुरां ने उपदेश किया कि जिन्ना चिर गोइंदवाल साहब की पावन धरती ते गुरता गद्दी दे उपर सुभायमान रहांगे शरीरक तौर पर और गुरता गद्दी दे उपर सुभायमान रहांगे किसी माता पिता दे रहिंदे होइआं किसी का पुत्र काल चलाना नहीं करेगा चढ़ाई नहीं करेगा सतगुरां ने जिते समाज का भला करन वास्ते कवैद नूं अपने कोल रख्या दवा दारू करन वास्ते जिते सतगुरां ने गुरबाणी रच करके गुरबाणी की सोझी बख्श करके आत्मा का भला किया उत्ते दुनियावी तौर पर शरीरक दुखां दलिद्रां दा नाश करन वास्ते सतगुरां ने अपने पास जो कवैद रख्या सी जो तईये ताप की कथा है जो आप जी ने अंदर वेख्या है इस वास्ते सतगुरां ने वैद रख्या सी जो आई हुई संगत का दवा दारू दे नाल इलाज करदा सी।